शुरू किया जाए। अभी हम लोगों ने अपने विभा मकीजा मैम के जो जूनियर साथी हैं हमारे प्रशांत दीवान अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला जी, उनके जरिए हम लोगों ने पूरे कोर्ट की सुनवाई को सुना है। पूरे कोर्ट की सुनवाई के सुनने के बाद आज बिहार के सभी टेट शिक्षकों के लिए यही संदेश है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें मिल करके हम तमाम शिक्षकों को थका करके और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से भगाना चाहती है। हम यहाँ से यह संदेश ले कि बिहार सरकार चाहे एक दिन नहीं एक महीना भी क्यों न बहस करा ले, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेकर के ही लौटेंगे और हमें निश्चित न्याय मिलेगा। और आज जिस तरह से कोर्ट ने एक संकेत दिया है और ये हमारे लिए खास करके टेट टेस्टेड शिक्षकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्होंने ही मांगा है कि आप बताइए कि कितने टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक हैं और कितने नॉन टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक हैं। इससे ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि अगर मेरिट पर बात होगी तो निश्चित ही हमारी जीत होगी और हम तमाम प्रदेश पदाधिकारी यहाँ डटे हुए हैं। आप तमाम टेट टेस्टेड शिक्षकों से अपील है, उन तमाम साथियों से जो अभी तक सहयोग राशि नहीं दे पाए हैं, उन तमाम लोगों से अपील है कि दिल खोलकर आर्थिक सहयोग करें और इस लड़ाई में इस महासंग्राम में अपना भरपूर सहयोग देकर इस लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाने में पार्टिसिपेशन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरे पर आज जो बहस हुई उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया जो बहुत ही जरूरी थी, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव ये है कि जस्टिस ललित साहब ने एक प्रश्न किया द्विवेदी साहब से कि ये बताइए ये कब तक ऐसे चलेगा, आप कब तक किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे या फिक्स पे आप कब तक रखेंगे। दूसरी बात, आप जुडिशरी में देखिए, आप सिविल सर्वेंट्स को देखिए, सबको आज हमसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, आज लगभग ज्यादा पैसा मिल रहा है, उन टीचर्स को इतना कम पैसा क्यों, ये संकेत आज ललित साहब ने खुद दिया। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने एक और बहुत अच्छी पॉइंट उन्होंने उठाया जो एक एनसीटी का नोटिफिकेशन है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं तो आप 2 साल में वो एक्वायर करिए, तो कोर्ट ने उस चीज को रखा सामने, कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कहीं ना कहीं आप लोग रेडी हो रहे हैं कि यस आप ये क्वालिफिकेशन अटेन करिए, हम आपको सब कुछ देंगे। तो आज टीचर्स को ही सबसे नीचे क्यों रखा जा रहा है, जबकि टीचर्स तो सब बैकबोन है आज हमारी कंट्री के, तो इनको एक 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 डिग्निफाइड सैलरी इनको मिलनी चाहिए, ये बात खुद ललित साहब ने आज कही है, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। चार्ट भी देख लेंगे, बिल्कुल, थैंक यू।